नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12,091 और साथ ही साथ जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है उस आर्डर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई थी, उन पर भी बात करेंगे। और 12,091 का जो लिस्ट है इसका ग्रीवांश किस तरीके से अधिक बनता है और वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या हुआ था और कौन सी सारी चीज़ें थीं और 12,091 की जो लिस्ट है वो किस प्रकार बनाई गई और जो उसमें 391 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया तो बाकी के बचे हुए पद कहाँ गए, ये बहुत सारे राइट्स जो हैं अभ्यर्थियों के बन रहे हैं तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल ऑर्डर की तरफ चलेंगे। ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट दी हुई हैं और 2016 में जो उन्होंने 12,091 की लिस्ट दी थी 75,000 प्रत्यावेदनों को प्राप्त करने के बाद उसका ग्रीवेंस किस तरीके से बन रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने किस तरीके से इस भर्ती में जो 72,825 की भर्ती थी किस प्रकार इसमें समझौता करवाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो पेज नंबर 16 है, जो ये आर्डर आया 12,091 का, ये वही आर्डर है। इसमें यहाँ पर देखिए, एट दिस जंक्चर वी मे स्टेट द मिस्टर भाटिया लर्न्ड आर्क सबमिटेड दैट इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट ऑन द अर्लियर ओकेजन एंड प्रायर टू द मोर देन 75,000 रिप्रेजेंटेशन, 75,000 प्रत्यावेदन इनको प्राप्त होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, उसके बाद उनको स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पाती है कि भाई 12,091 जो है पर्सन ये एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अब यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है जब मिस्टर भाटिया ये कहते हैं कि 75,000 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं और 12,091 लोग एलिजिबल हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा जो 12,091 लोग हैं जिनकी एलिजिबिलिटी है, जिनका जिनको ये राइट्स है कि भाई वो एलिजिबल हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी क्लियर कट मिस्टेक की वजह से ये लिस्ट बनती है। इसमें ज़्यादा नंबर वाले बाहर रहते हैं और कम नंबर वाले अंदर रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन पूरा खेल यहीं से शुरू हो जाता है कि किस प्रकार गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई इतने लोग एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहीं से पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पूरी तरीके से आपको पूरा खेल समझ में आएगा। और फिर जस्ट उसी में बात की जाती है कि भाई 1100 पीपल ऐसे हैं जिनको जो है नियुक्ति दी जा सकती है, सीटें हमारे पास हैं 12,091 को छोड़ने के बाद, उसी में कहा जाता है। और मामले को रफा दफा करने के लिए जो है पूरी तरीके से एडहॉक बेसिस पे नियुक्ति सरकार देने को राजी हो जाती है और जो भी पेटिशनर थे उनको नियुक्ति यहाँ पर मिल जाती है। तो ये लोग भी जो 862 लोग थे वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं 72,825 की भर्ती में। चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मनी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये भर्ती होती है और यहाँ पर पूरी तरीके से NCT क्लियर करती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर तो NCT पूरी तरीके से क्लियर करती है कि NCT आर बाइंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बेटेज ऑफ TET मार्क इज़ नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये क्लियर कर देती है। तो यहाँ पर जो है एकेडमिक मेरिट और TET मेरिट का जो विवाद था उसमें एकेडमिक मेरिट की विजय होती है, लेकिन TET मेरिट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में नियुक्त हो जाती है और वो लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये बताया जाता है कि भाई जो बेंचमार्क था 70-65 का उसको कम कर दिया जाता है। आगे चल करके इसी में 70-65 पर जो है ये बताते हैं कि भाई हमारे 54,464 पोस्ट ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। और उसके बाद पूरा क्लियर करते हैं 2 नवंबर 2015 को, इट वाज नोटेड दैट अगेंस्ट 72,825 पोस्ट विच वर एडवर्टाइज, तो इसमें 43,000 कैंडिडेट जो हैं ये क्या हो चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। 15,000 जो कैंडिडेट हैं वो अंडरगोइंग ट्रेनिंग, यानी वो ट्रेनिंग पर है। तो 43 और 15 लगभग 58,000 होते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये बताते हैं कि 14,690 पोस्ट स्टिल वैकेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास 14,690 पोस्ट खाली हैं। तो 58 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 72,825 की समथिंग हो जाता है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है कि भाई 14,690 पोस्ट खाली हैं और आप पहले बता चुके हैं कि भाई 12,091 लोग एलिजिबल हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में, उसके बाद सरकार कहती कि भाई हमारे पास
जो 66,655 टीचर ऑलरेडी हैव बीन अपॉइंटेड। तो दोस्तों जो 66,000 की बात हो रही है, यहाँ पर इन्हीं 66,655 में 12,091 इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर सरकार कह देती कि हमने जो है इतने अपॉइंटमेंट कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। आगे और क्लियर होता है। उसके बाद जब इसमें कंटेम्प्ट होता है, इस पर कंटेम्प्ट पिटिशन जब दाखिल होती है, तब यहाँ पे पूरी तरीके से बताया जाता है कि भाई 70 और 65 का जो मार्क का वो क्राइटेरिया था, इसी में आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सी में आप जब देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि भाई जो 15 में ऑर्डर हुआ था 72,825 पोस्ट का, उसमें 43,000 लोग अपॉइंट थे, 15,000 ट्रेनिंग पे थे और 14,000 सीटें वैकेंट थी उस समय। तब उस समय कहा गया था, यहाँ पर देखिए कि 12,091 लोग एलिजिबल हैं, जबकि 14,000 पोस्टें वहाँ पर जो है क्या कहते हैं खाली थी। तो 12,000 लोगों की जो है 2016 में विज्ञप्ति निकाल के काउंसलिंग कराई जाती है। अब देखिए 14,640 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट हैं पूरी तरीके से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है कि यहाँ पर 14,640 पोस्टें वैकेंट हैं, और सरकार द्वारा कहा गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 12,091 लोग जो हैं एलिजिबल हैं। तो उसके लिए एक विज्ञप्ति निकाली जाती है 16 को। वो विज्ञप्ति आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि वो लोग आकर के जो है काउंसलिंग कराएं, तो लगभग 4,000 लोग काउंसलिंग करवाते हैं। वो आगे भी कंटेम्प्ट पिटिशन के बाद रिव्यू पिटिशन डाली गई तो उसमें भी है। तो यहाँ 12,091 अब पोस्ट, यहाँ पे देखिएगा 14,000 प्लस पोस्टें खाली थी। उसके बाद 12,091 को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, लगभग 4,000 लोग ये ऑन रिकॉर्ड है काउंसलिंग में जाते हैं, लेकिन 391 को ही जो है अपॉइंटमेंट दिया जाता है। 391 कैंडिडेट कुड बी अपॉइंटेड। तो इसमें जो अगर 391 हम घटाएंगे तब भी 14,460 थी, तब भी लगभग 14,000 सीटें इसमें खाली रह जाती। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस ऑर्डर में, ऑर्डर की जो समरी है उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो 14,000 सीटें खाली थी उन्हीं में से 12,091 कैंडिडेट को सरकार ने वहाँ पर जुड़वा दिया था कि 12,000 ये आप जोड़ लीजिए और 1,100 लोग और जोड़ लीजिए। तो वो जोड़ करके जो है ये भर्ती 66,655 तक पहुँचती है। ये पूरी तरीके से सरकार ने वहाँ पर बताया। उसके बाद सरकार कहती कि हमने जो 2016 में विज्ञप्ति निकाली थी उसमें 391 लोग अपॉइंटेड हो गए थे, तो 14,000 सीटें कहाँ गईं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये मामला जो है 12,091 का आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए ये तो कंटेम्प्ट पिटिशन पे ऑर्डर आता है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ, एफिडेविट दस मेड इट क्लियर दैट एज ऑन द डेट वेन, यहाँ पर जो सिंगल बेंच ने ये भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंक्लूड कर लिया कि भाई 66,000 पोस्टें हैं, तो हम इस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल इसमें केवल 391 लोगों का ही अपॉइंटमेंट हुआ है। और यहाँ पर 2016 में यहाँ पर देखिए बार बार ये कहा जाता है कि ये ऑन रिकॉर्ड। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है कि परिस्थितियाँ यानी कि सरकमस्टेंसेस ऐसे बनते गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो कंटेम्प्ट जो दिया था उसका है, और यहाँ पर पूरी तरीके से बताया जाता है कि 12,091 जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद ये मैटर चलता रहता और उन्होंने, और इसी में जो है कोर्ट ऑर्डर देती कि भाई इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी और 391 ही लोग गए। यहाँ पर जो है 12,091 का ग्रीवेंस इसलिए बनता है कि वो 14,000 जो पोस्टें खाली थी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है इनको सेट किया जाना था, तो अभी भी 72,825 में सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं और 90,105 की काउंसलिंग भी हो चुकी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। तो बार बार यही कहा जाता है कि इन दिस सरकमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं, जो भी प्रोसेस हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, इस वजह से हम इसमें कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा वहाँ बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को, तो कहीं ना कहीं 12,091 की जो लिस्ट थी उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट बनता था कि ये गलतियाँ हुई हैं और इसमें से 391 लोग ही अपॉइंटमेंट पाए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन द टोटालिटी ऑफ सरकमस्टेंसेस इन आवर व्यू देयर हैज़ नॉट बीन एनी वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाई द कोर्ट एज एलिज्ड
इन द कंटेप्ट पिटिशन अदरवाइज। तो ये जो भी परिस्थितियाँ रही हूँ अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशन में किया, उनको सरकार का जो एफिडेविट था 66,655 का वो कंक्लूड कर लिया। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उसके बाद ये जो है ये इनका कंटेप्ट जो है क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोग रिव्यू पिटिशन में फिर से जाते हैं, तो फिर से वही बात की जाती है, कोर्ट किया जाता है कि ये अभ्यर्थी जो है ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और उसी कंटेम्प्ट ये जो रिव्यू पिटिशन जाती है और कंटेम्प्ट का भी यहाँ पर जिक्र होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही रिव्यू पिटिशन में भी वही चीज़ें होती हैं और पूरी तरीके से उसी आर्डर का हवाला दिया जाता है और वहीं फिर से वही सरकमस्टेंसेस। तो दोस्तों सरकमस्टेंसेस की अगर बात करें तो परिस्थितियाँ किस तरीके से बदली। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में भर्ती होती है और टीटी मेरिट से भर्ती होती है, और उसके बाद जो एनसीटी ये कहता है कि भाई ये तो पासिंग मार्क था, ये तो पासिंग क्राइटेरिया था, हम इसमें जो है एकेडमिक मेरिट को देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई चलो ठीक है, अब जितनी भर्ती हो गई उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब आगे का क्या है। तो आगे बताते हैं कि 12,091 जो हैं ये एलिजिबल पर्सन है, ये हमारे पास लिस्ट है, और प्लस क्या कहते हैं जो भी एडहॉक बेसिस पे नियुक्तियाँ 1100 हैं वो भी इसमें हो जाएंगी और कुछ सीटें इसमें खाली भी रह जाएंगी। तो यहीं पर इस केस को रफा दफा करने के लिए वही बातें मान ली जाती हैं और 862 लोगों को अपॉइंटमेंट वहाँ पर मिल जाता है पूरी तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थितियों के कारण होता है इसमें, और इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता, क्राइटेरिया वहाँ पर टूट जाता है। भाई 90-105 का तो ऑर्डर हो ही चुका था और काउंसलिंग भी प्रदेश में सभी लोगों ने करवाई। तो यहाँ पर जब एडहॉक बेसिस की नियुक्ति होती है तो वहाँ पर 82 नंबर अदर कास्ट और 90 नंबर जनरल यहाँ पर नियुक्त पा जाते हैं, यहाँ तक कि 95 लोग ऐसे होते हैं जो नियुक्ति पा जाते हैं जिन्होंने 2011 में आवेदन ही नहीं किया था। और जाहिर सी बात है 2012 वाला विज्ञापन जब जीता यहाँ पर, एकेडमिक मेरिट वाला जब जीता, चूँकि सरकार वहाँ पर गई थी, सरकार ही गई थी कि भाई जो है हम एकेडमिक मेरिट चाहते हैं, सरकार गई थी, लेकिन वहाँ क्या किया अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको नियुक्ति दे दी और सरकार उस विज्ञापन को जीत गई थी। तब भी उस विज्ञापन को सरकार के विवेक पर छोड़ दिया कि ये आपका विवेक है कि उसको आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो नए विज्ञापन से भी 95 लोगों की नियुक्ति हो जाती है और सरकार के विवेक पे छोड़ दिया जाता कि नया विज्ञापन, चूँकि नया विज्ञापन ही वहाँ पर जीता था। ये बहुत सारी पर तो यहाँ पे सरकम टाइम में बात कर रहा हूँ कि सरकम टांसेस किस तरीके से बदलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जब ये रिव्यू पिटिशन पड़ती है तब यहाँ पर देखिए चीज़ें क्लियर होती हैं। जो 66,655 थे जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी जो सब कैटेगरी है यहाँ पर देखिए, सब कैटेगरी माना गया 12,091 को, यानी 12,091 लोग इन्हीं 66,655 में से थे जो एलिजिबल थे, चूँकि सरकार ने वहाँ पर खुद कहा था ये चीज़ कि ये लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर उसी की सब कैटेगरी यहाँ पर माना गया है जो रिव्यू पिटिशन दाखिल हुई आर्टिकल 32 के तहत। अब इसके बाद जो है इनको लिबर्टी दी जाती है कि भाई ऐसा है आर्टिकल जो 226 है इसके तहत आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट देखिए इसमें क्या करते हैं। तो कुछ जो 72,825 की जो ये भर्ती होती है ये सरकम टांसेस से शुरू होती है, यानी 11 में मायावती का विज्ञापन आता है, उसके बाद चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद जब अखिलेश सरकार आती है तो भी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो इस भर्ती में लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। और फिर इसी आर्डर के पेज संख्या 24 पर आप देखिए, यहाँ पर 10 नंबर को यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भाई फिगर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 66,655 जो अपॉइंटमेंट पा गए हैं, पास्ड बाई सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटिशन विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशनड अर्लियर, इस रिव्यू पिटिशन के पहले जो दिया गया, पिटिशनर हु आर पार्ट ऑफ लिस्ट 12,091 आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाता है कि जो 66,655 है उसी का पार्ट ये 12,091 लोग हैं। देखिए अब यहाँ फिर से परिस्थितियाँ वहीं आ गई जो लगातार चलती आ रही है। अब चूँकि कोर्ट का सिस्टम ये है जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं वो बार बार मेंशन होती हैं, और यहाँ पर देखिए पेटिशनर हु आर पार्ट ऑफ लिस्ट 12,091 आर आल्सो पार्ट ऑफ इट बट सिंस सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाई बाई द एफिडेविट फील्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर कहा गया कि भाई
जो 66,655 थे उसके कहीं ना कहीं सब कैटेगरी यानी कहीं ना कहीं उसी में से 12,091 लोग हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट स्टेट से सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पर मान लिया गया कि भाई 6,655 लोगों को ये नियुक्ति दे चुके हैं। तो सरकार यहाँ पर किस हद तक झूठ बोल रही थी भाई, 14,000 सीटें खाली थी तो आपने 391 लोगों को अपॉइंटमेंट किया तो बाकी 14,000 सीटें कहाँ गई? तो कहीं ना कहीं जो 12,091 थे वो इंक्लूड थे आपके 66,655 पे। तो यहाँ स्टेट ने कहा और एफिडेविट दिया और सरकार ने कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद फंसी हुई नज़र आ रही है। ये जो 12,091 की जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन गया है। और निश्चित रूप से अगर 12,091 का कोई भी कैंडिडेट इसमें अब आगे चल करके अपॉइंटमेंट पाता है तो पूरी तरीके से 72,825 बीएडटेट 2011 के अभ्यर्थी आगे चल करके उसी बिहाफ पे उसी बेस पे आगे चल करके जो गवर्नमेंट की गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं इस अपॉइंटमेंट का और आगे चलकर जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उसका बेस बनेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे गलती करती है और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करती है कि भाई 12,091 को जोड़ करके 6,655 यहाँ दिखा देती है और एफिडेविट भी देती है और सीधे सीधे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से। अब कोर्ट जो निचली अदालतें हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया सेटिस्फाई हो गई तो भाई हम भी सेटिस्फाई होंगे। इस वजह से रीबी पिटीशन कंटेम्प्ट पिटीशन लगातार इस पर पड़ते हैं, इस वजह से 12,091 का मुद्दा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर आगे चल करके कोर्ट क्या कहता है, द कोर्ट हैज़ नो ऑप्शन, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बट टू एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ कैलकुलेशन। जो एक कैलकुलेशन है इस डिटेल को एक्सेप्ट करने के अलावा जो है कोर्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान चुका है कि भाई एफिडेविट दिया है हम सेटिस्फाई हैं। कैलकुलेशन एंड द लिस्ट ऑफ 12,091 कैंडिडेट वाज नॉट पार्ट ऑफ लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इन लेटर स्टेज ऑफ आर्गूमेंट वेल लर्न काउंसिल स्टैंडिंग हैज़ रिफर्ड पैरा 6 ऑर्डर, जो 2019 में इनका ऑर्डर हुआ, दैट इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द कैंडिडेट ऑफ अफोर्सेड लिस्ट ऑफ 12,000 के दे वार इन्वाइटेड फॉर काउंसिलिंग बाई पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि इन्वाइट किया गया है उनको और ये जो, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये जो 24 पे अब आप पढ़ेंगे, ये कौन सा है 10 नंबर, इसको आप पढ़ेंगे तो जो कंटेम्प्ट पिटीशन था 12,091 का और जो रिव्यू पिटीशन था वो पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये जो निचली अदालत है वो भी ये कह रही कि भाई सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई था और स्टेट ने सेटिस्फाई किया था, तो स्टेट क्या सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल करके सेटिस्फाई कर रही थी कि भाई 58,000 पद भरे गए, उसके बाद 12,000 लोगों को एलिजिबल माना गया और लगभग 1,100 याची थे और 2,500 सीटें थीं। तो यहाँ पर पूरे कंक्लूड करके करने के बाद इतने दिए गए और गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे दिया आनन फानन में कि चलो ठीक है इतने पद भर गए हैं अब इसको जो है यहाँ पर क्लोज करते हैं। लेकिन पद वास्तव में कितने भरे गए थे, 839 प्लस 391, मोटा मोटा मान के चलें तो लगभग 1,100 पद 1,300 पद इसमें भरे गए थे। और सीटें कितनी स्टिल वैकेंट थी 14,600 समथिंग, तो यहाँ पर 1,200 अगर इसमें से निकाल दें तब भी यहाँ पर 13,000 सीटें बच जाती हैं। और यहाँ पे सरकार क्या कहती है कि हमने इतने अपॉइंटमेंट कर दिए, इस वजह से 12,091 का मुद्दा चलता रहता है और अंततः ये रिजल्ट आता है। अब चूंकि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट खुद फंसी हुई है और गवर्नमेंट की गले की हड्डी कहीं ना कहीं 12,091 कैंडिडेट बने हुए हैं। तो इस तरीके से 12,091 कैंडिडेट का लगातार लड़ाई लड़ने का जो मामला था कंटेम्प्ट पिटीशन में रिव्यू पिटीशन में, उसके बाद सिंगल बेंच भेजा गया, अब सिंगल बेंच, उसके बाद ये लड़ाई अब सरकार किस हद तक, क्योंकि सरकार खुद फंसी हुई है। अगर सरकार ये करती है भाई इनको अपॉइंटमेंट देती है तो निश्चित रूप से सरकार पूरा जो भी अंतरिम आदेश हुए हैं, चाहे वो 24 फरवरी वाला हो चाहे नवंबर वाला हो, वो सारे आदेश सरकार को पालन करने पड़ेंगे। सरकार की जल्दबाजी की वजह से ये चीज़ें लगातार मिस्टेक हुई हैं इस भर्ती में और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और इनको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार की गलती है, किसी भी अभ्यर्थी की गलती नहीं है, चाहे वो इस लिस्ट में हो चाहे ना हो। आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए कंक्लूजन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।